मित्रों आ वीडियो विद्यार्थियों ने विज्ञान विषयक पायानु ज्ञान मळी रहे एटले के तेमना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थाय ते माटे छे। 3.4 शेष प्रमेय। चालो आपणे बे संख्याओ 21 अने 8 नो विचार करिए। जो 21 ने 8 वडे भागीशुं तो आपने भाग पर 2 मळे अने शेष 5 मळे। आ हकीकतने नीचे मुजब वर्णवी शकाय। 21 is equal to 8 into 2 plus 5। अहीं 21 भाज्य छे, 8 भाजक छे, 2 भागफळ छे अने 5 शेष छे। अहीं आपने नोंधीए के शेष 5 ए भाजक 8 करता ओछी छे। जो आपने 16 ने 8 वडे भागीशुं तो आपने 16 is equal to 8 into 2 plus 0 मळे। अहीं शेष 0 छे अने 8 ए 16 नो अवयव छे अथवा 16 ए 8 नो गुणक छे। पूर्णांको माटे ऊपर जोयु ते मुजब आपणे लखी शकीए के भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफळ प्लस शेष। आथी जो पूर्णांक ए ने शून्येतर पूर्णांक बी वडे भागवामां आवे तो आपणने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मळे। क्यू ने भागफळ अने आर ने शेष कहे छे। ए ने भाज्य तथा बी ने भाजक कहे छे तथा जो आर इज इक्वल टू 0 होय तो बी ने ए नो अवयव कहे छे। पूर्णांकोनी जेम बहुपदी माटे जो कोई बहुपदी पी ऑफ एक्स ने शून्येतर बहुपदी डी ऑफ एक्स वडे भागवामां आवे तो आपणने P of x is equal to D of x into Q of x plus R of x मळे। अहीं P of x is equal to भाज्य बहुपदी, D of x is equal to भाजक बहुपदी, Q of x is equal to भागफळ बहुपदी तथा R of x is equal to शेष बहुपदी छे। आथी भाज्य बहुपदी इज इक्वल टू भाजक बहुपदी इंटू भागफळ बहुपदी प्लस शेष बहुपदी। अहीं शेष बहुपदी नी घात ए भाजक बहुपदी नी घात करता ओछी होय अथवा शेष शून्य होय। वे बहुपदी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लइए तो इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट ओवर प्लस 1 लई शकाय। जेथी ઉપરની ચર્ચાને અનુરૂપ આપણે x ને ભાજક તથા x પ્લસ 1 ને ભાગફળ અને 1 ને શેષ લઈ શકીએ। અચળ બહુપદી 1 ની ઘાત 0 છે અને ભાજક બહુપદી x ની ઘાત 1 છે। બહુપદી p ઓફ x નો અન્ય બહુપદી d ઓફ x વડે થતો ભાગાકાર સમજવા આપણે નીચેનું ઉદાહરણ લઈએ। સોપાન 1। બહુપદીઓ p ઓફ x d ઓફ x ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખો। સોપાન 2। હવે આપણે બહુપદી p ઓફ x ના અગ્રપદને d ઓફ x ના અગ્રપદ વડે ભાગીશું। અહીં આપણે x ક્યુબ ને x વડે ભાગીશું। ભાગફળ q ઓફ x નો અગ્રપદ દર્શાવશે એટલે કે x ક્યુબ અપોન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भाग पर नू प्रथम पद सोपान त्रण भाग पर ना आ प्रथम पद ने भाजक साथे गुणीशु अने जे परिणाम मळे तेने भाज्य माथी बाद करीशु एटले के अहीं एक्स स्क्वायर ने एक्स प्लस टू साथे गुणता आपने एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर परिणाम मळे तेने आपने एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी माथी बाद करीशु आथी आपने परिणाम इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी मळे आथी आपने एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी मळे इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी नी घात ए भाजक एक्स प्लस टू नी घात करता वधु हुवाथी आ प्रक्रिया ने सोपान बे मुजब आगळ वधारीशुं अने इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी ने नवो भाज्य गणीशुं सोपान चार भाग फळनो पछीनो पद मेळवीशुं एटले के आपणे नवा भाज्यना प्रथम पदने एज भाजकना प्रथम पद वडे भागीशुं एटले के इलेवन एक्स स्क्वायर अपोन एक्स इज इक्वल टू इलेवन एक्स इज इक्वल टू भाग फळनो द्वितीय पद सोपान पांच हवे आ नवा भागफळ ने एज भाजक साथे गुणवामां आवे अने मळता परिणाम ने नवा भाज्यमांथी बाद करवामां आवे छे अहीं 11x ने x प्लस 2 साथे गुणवामां आवे तो आपणने 11x स्क्वायर प्लस 22x मळे अने तेने ऊपर दर्शाव्या मुजब 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 માંથી બાદ કરવામાં આવે તો 9 ભાજ્ય 10x પ્લસ 20 મળે આ પ્રક્રિયાને શેષ શૂન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવામાં આવે છે અથવા નવા ભાજ્યની ઘાત એ ભાજકની ઘાત કરતા ઓછી ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવામાં આવે છે સોપાન 6 અહીં 10x પ્લસ 20 એ નવો ભાજ્ય છે જેનું પ્રથમ પદ 10x છે તેને ભાજકના પ્રથમ પદ x વડે ભાગવામાં આવે તો આપણને 10 મળે હવે આ ભાજકને 10 વડે ગુણવામાં આવે અને જે પરિણામ મળે તેને ભાજ્યમાંથી બાદ કરવામાં આવે તો શેષ શૂન્ય થાય આથી એક્સ ક્યુબ પ્લસ થર્ટીન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ થર્ટી ટુ એક્સ પ્લસ ટ્વેન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ઇલેવન એક્સ પ્લસ ટેન ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ ટુ પ્લસ ઝીરો ને આ પ્રમાણે લખી શકાય આથી અહીં ક્યુ ઓફ એક્સ અને એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ઇલેવન એક્સ પ્લસ ટેન અને આર ઓફ એક્સ is equal to 0. માટે ભાજ્ય is equal to ભાજક into ભાગફળ plus શેષ. એટલે કે p of x is equal to d of x into q of x plus r of x. વ્યાપક રીતે શેષ r of x છે અને r of x is equal to 0 અથવા r of x ની ઘાત less than d of x ની ઘાત d of x ભાજક છે q of x ભાગફળ છે p of x ભાજ્ય છે આ પ્રક્રિયાને લાંબા ભાગાકારની રીતે પણ લખી શકાય તે નીચે ઉદાહરણથી દર્શાવેલ છે આમ ઉપરના ઉદાહરણને
पाछळ दर्शाव्या मुजब उकेली शकाय। जो कोई बहुपदी P of X ने सुरेख बहुपदी X minus A वडे भागवामा आवे तो शेष P of A मळे। आ विधाननी साबिती नीचे मुजब आपी शकाय। आ परिणामने शेष प्रमेय तरीके ओळखवामा आवे छे। शेष प्रमेय जो बहुपदी P of X नी घात एक के एक करता वधु होय अने तेने सुरेख बहुपदी x माइनस a वडे भागवामा आवे तो शेष p ऑफ a आवे। a बिलोंग्स टू r। मित्रों, जो पहली बार ESW चैनल विजिट करी होए, तो मात्र एक वक्त सब्सक्राइब करो, दरेक वीडियो ने अवश्य लाइक करो। आ पछीना नवा मुद्दा पर जवा माटे नीचेना थंबनेल पर क्लिक करो।